बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक सऊदी खातून की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है जी। ये वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। और ये वीडियो भाई आज की नहीं है, तकरीबन आज से 3-4 दिन पहले ये वीडियो वायरल हो चुकी थी। लेकिन मैं उस टाइम तक इसकी वीडियो नहीं आपके साथ शेयर करना चाहता था जब तक इस चीज़ का फैसला सामने ना आ जाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अदालत की तरफ से क्या हुक्म आया है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इस खातून को या जिस घर की तरफ ये इशारा करके बोल रही हैं, वो घर क्या यानी किसकी मिल्कियत थी, क्या कुछ बना, तो सऊदी मरूल वगैरह की गाड़ी भी घर के बाहर खड़ी हुई है, फिर भी ये मामला सब देखने को मिला। यानी कि खातून को घर से निकाला गया, क्यों निकाला गया, क्या मसला बना, ये आपके साथ इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। एक चीज़ मैं ऐड करूंगा जी, आपने सऊदी अरेबिया में कुछ ऐसे मखसूस एरियाज देखे होंगे या घर ऐसा देखा होगा जो कि गरीब तबका लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मखसूस किए गए हैं। अच्छा, इसमें आर्मी वाले अलग है जी, ये क्लियर करूं मैं। आर्मी की तमाम तर जो कॉलोनी वगैरह बड़ी हुई है, अभी हाल ही में जो मैंने देखी है वो मक्का शराया में देखी है। आर्मी को भाई घर अलॉट किए गए हैं, बाकायदा बिल्डिंग बनाकर उनको दी गई है, उनकी सैलरी में से वो पैसे काटते रहते हैं। यानी कि वो तो उनकी मलकियत होगी, उसमें तो कोई किसी का मसला नहीं है। दूसरी चीज, ताइफ में खुद एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ताइफ का अगर आपने विजिट किया, ताइफ जो हाविया है रियाद वाले रोड पर जाए तो ताइफ से थोड़ा ताइफ में गिना भाई वो भी आता है हाविया, तो वहां पर भाई हाविया भी बोलते हैं, हवाइया भी बोलते हैं। वहां पर एक एरिया है मखसूस किया गया है, पहले वही होता था, उसके बाद अभी फैल चुका है हवाइया। तो वहां पर आपको घर देखने को मिलेंगे ब्लॉक वगैरह लगे हुए पुराने टाइप के, थोड़ा वो तमाम तर गवर्नमेंट की तरफ से बनाकर दिए गए थे तमाम उन फैमिलीज को जो सऊदी अरेबिया में घर यानी कि घर के लिए दरख्वास्त वगैरह दी हुई थी। तो वहां पर मैंने ये सीन भी देखा, ये भी आपको बताना चाहूँ कि स्कूल की बस आती थी जी, और जो लड़कियों को लेकर जाते हैं और छोड़ते हैं, तो एक लड़की बस में से उतरी थी और अपने घर को जा रही थी। मैं उधर उनके घर के बाहर ही हम काम कर रहे थे, तो उस लड़की के पास आईफोन मोबाइल था और ब्रेसलेट उसने गोल्ड का डाला हुआ था। तो मैं ये सोच रहा था कि ये अभी भाई इनको ये घर वगैरह जो कुछ भी है ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। हालांकि अभी यानी कि अगर अमीर तबका होगा तो फिर माशाल्लाह उनकी क्या रहन सहन होगा ये तो आप बाखूबी जानते हैं। एक खवातीन का मतलब ये है जी कि आज से चंद साल पहले इनको ये घर अलाउड किया गया था अंजमन ताजरान आहम, सिंपल अल्फाज में बोल सकते हैं, जो पाकिस्तान में भी तंजीम वगैरह होती है, ऐसी तंजीम बोल रहे हैं जो सऊदी अरेबिया में तमाम जो गरीब मस्कीन अफराद हैं या जो खवातीन हैं अपने बच्चों के साथ हैं, उनके जो भी मियाँ वगैरह हैं खावन वगैरह हैं फौत हो गए हैं, कोई और मसला है, उनको घर देती है अलग से बनाकर खुद से गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा ही हुआ, इस खातून को ये घर बनाकर दिया गया। अभी उनको ये भाई जो इनका घर वाला एरिया है ना, ये चाहिए था, ये बिल्डिंग उनको लोगों को चाहिए थी। इस खातून को वो बार बार आगाह करते थे कि आप ये घर खाली कर दें, इसके मुतबादल हम आपको घर दे देते हैं कहीं और आप वहां पर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन ये खातून ये घर खाली नहीं कर रही थी। 3-4 दफा इनको नोटिस भी दिया गया लेकिन फिर भी नहीं। उसके बाद अदालत से रजू किया गया, अदालत से भी यही फैसला आया कि इनसे घर खाली करवाएं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस खातून की तरफ से दरख्वास्त दी गई, वहां से भी यही फैसला आया कि ये घर आप खाली कर दें और इसके एवज आप कहीं और आपको घर वगैरह दे दिया जाएगा जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ही दिया जाएगा। लेकिन जब ये खातून फिर भी घर खाली करने को राजी नहीं हुई, तो फिर सऊदी मरूर और बल्दिया वगैरह वाले आए हैं, इस खातून को बोला है कि आप बाहर निकल जाएं। उस टाइम इस खातून ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली और ये वायरल है जी। लेकिन कोई भी बंदा ऐसा नहीं मैंने देखा है जो ये बोल रहा होगा ये ज्यादती हुई है। तमाम बंदे यही बोल रहे हैं कि ये जो पहले से वार्न किया गया है तो फिर आपको घर खाली करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मलकियत भी नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। दूसरी बात ये है जी, बल्दिया की तरफ से अभी फिर से ये कहा गया है कि अगर हम अभी भी इस बात के ऊपर हैं कि अभी भी इनको घर चाहिए, हम इनको अलग से एक अलग से घर देते हैं, ये वहां पर शिफ्ट हो